हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको 6th to 12th का सिलेबस करवाऊंगी, और जैसा कि आप सभी को पता है वो सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ, और यहाँ पे मैं आपको वो पूरा सिलेबस बिल्कुल सीक्वेंस वाइज कवर करवाऊंगी। और अगर आपको पीछे का कोई वीडियो छूट गया या फिर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम पर उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम पर आपको पूरा सिलेबस सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा। और इसके अलावा जैसे 6th to 12th का सिर्फ यही सब्जेक्ट नहीं, जैसे मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उन सभी के कंप्लीट कोर्सेज आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, विटामिन्स के बारे में हम पढ़ रहे थे कि जो विटामिन्स है वो कौन कौन से होते हैं और वो कैसे कैसे काम करते हैं, कौन कौन से स्रोत होते हैं उनके, मतलब कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, उसके कारण रोग कौन से होते हैं, ठीक है, वो चीज़ हम पढ़ रहे थे। तो अब जो बचे हुए विटामिन्स हैं उसके बारे में हमने पढ़ा, कुछ तो हो गए हमारे कंप्लीट। अब जो बच गए हैं विटामिन्स उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि वो कौन कौन से हैं, उसके कारण क्या प्रभाव पड़ता है, वो हमें प्राप्त कहाँ कहाँ से होते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विटामिन्स चल रहे थे हमारे, मुख्य रूप से हम एक तरीके से देखें तो क्या पढ़ रहे हैं, हम विटामिन्स के जो टाइप्स होते हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं कि विटामिन जो है वो कौन कौन सी है, कितने टाइप की है, वो कहाँ कहाँ से प्राप्त हो रही है और उसके कारण क्या क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अभी कौन सी आती है नेक्स्ट, जब हमने एक फिर से इसके दो भाग देख लेते हैं हम, एक तो वसा में घुलनशील, ठीक है, दूसरी होती है जल में घुलनशील। जल में घुलनशील, ठीक है। विटामिन्स थे जल में, मैंने बताया था क्या, जब से, मतलब ज हो गया, ब हो गया और ये सी हो गया, बचे हुए ए डी ई के इसमें आ गए, ठीक है। अब कौन सा आता है देखिए नेक्स्ट, हमने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, चार पढ़ लिए। अब कौन से बचे हैं, विटामिन ई और के, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम कौन सा ले रहे हैं, हम विटामिन ई ले रहे हैं। फर्स्ट आता है विटामिन ई। देखिए हर एक जो विटामिन है मैंने बताया वो क्या काम करती है, वो बॉडी के अंदर उसकी भी कुछ भूमिका होती है, वो भी कुछ ना कुछ काम करती है, वो भी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो विटामिन ई है इसका भी अपना रोल होता है, ये भी अपने तरीके से काम करती है, जो बॉडी के अंदर जो भी कोई चीज़ जो है जिसकी कमी हो गई उसको पूरा करती है। हर जो पार्ट होता है वो अपने अपने तरीके से क्या करता है, बॉडी को अगर हम बोले तो उसको स्वस्थ रखने का काम करता है, ठीक है। अब ये हम देख रहे हैं विटामिन ई के बारे में कि ये विटामिन ई, अब घुलनशीलता देखें आप, देखें बी और सी में तो जब से कह के तो ख़त्म हो ही गया, उसके अंदर बी और सी अगर आता है तो ही जल का नाम लेना है, नहीं तो किसके अंदर है, वसा में घुलनशील है। किसके अंदर घुलनशील है, वसा में, वसा के अंदर घुलनशील होती है। कौन होती है, विटामिन डी होती है। नेक्स्ट हम देखें क्या इसके स्रोत, मतलब मैंने आपको ये बताया क्योंकि आप चीज़ खुद भी जानते हो, आपको कोई भी चीज़ खरीदनी हो आपको कहीं ना कहीं तो जाना पड़ता है उसको लेने के लिए, मतलब कोई ना कोई तो सोर्सेज है जिससे आपको वो प्राप्त होती है। आपको आइसक्रीम खानी है तो आप कहाँ जाते हो, आप आइसक्रीम पार्लर जाते हो, वहाँ पे जाके खाते हो। आपको जूस वगैरह पीना है तो आप जूस सेंटर जाते हो, तो वो क्या हो गया, वो आपका जूस सेंटर जो है वो स्रोत हो गया आपके जूस पीने का। जो आइसक्रीम पार्लर है वो आपके आइसक्रीम का स्रोत हो गया कि आपको वहाँ से क्या मिल रही है, आइसक्रीम मिल रही है, वो बने चाहे कहाँ पे किससे भी, तो जब आप वहाँ गए तो वो क्या उसका सोर्स हो जाएगा, आपको डायरेक्ट वहाँ से मिल रही है, अगर कॉमन सेंस में हम देखें तो, ठीक है। तो वो क्या है, वो सोर्स है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो विटामिन ई है इसी तरीके से ये कहाँ से प्राप्त होती है, देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो ये हरी पत्तेदार सब्जियां होती है ना, इन सब्जियों से हर चीज़ की पूर्ति होती है, बहुत ज़्यादा इनके अंदर क्या होते हैं, विटामिन्स भी होते हैं और ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो ये तो क्या डायरेक्टली इसके बारे में हम लिख सकते हैं क्या, हरी पत्तेदार सब्जी, हरी पत्तेदार सब्जी,
ठीक है। इसके अलावा देखिए दूध है, मक्खन है, ये किसके कारण है, मतलब इससे हमें क्या मिल रहा है, इससे हमें विटामिन ई मिल रही है। नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं हम, दूध, मक्खन और सोयाबीन, उससे भी हमें क्या मिलती है, ये प्राप्त होती है। क्या? सोयाबीन, ठीक है। ये पार्ट्स हैं, ऐसे स्रोत हैं, ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे हमें क्या मिलेगी, विटामिन ए मिलेगी, विटामिन ए मिलेगी, सॉरी ई मिलेगी, विटामिन ई है ना कि ए, विटामिन ई, ठीक है, ये प्राप्त होती है हमें। अब देखिए, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो उस क्वेश्चन करीब लगा सोच रहे होंगे कि वैसे तो मैडम स्टार्टिंग में सबके पहले नाम बताती, यहाँ पे नहीं बताया। तो अब इसका नाम इसलिए नहीं बताया स्टार्टिंग में कि आपको अब इस बीच में बताएंगे तो याद रहेगा डायरेक्ट आपको, ठीक है। तो विटामिन ई का अगर हम नाम देखें तो क्या होता है, विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरोल, टोकोफेरोल, टोकोफेरोल बोलते हैं किसको, विटामिन ई को। अब याद रहेगा आपके, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है इसके अंदर कि ये जो विटामिन ई है इसका नाम क्या होता है, ये हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, किसके अंदर घुलनशील होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है क्या, कि जब ये विटामिन ई है तो हम ऐसे बोलते हैं कि जब, जरूरी नहीं है कि आप खा ही रहे हो वो चीज़ जिससे हमें विटामिन मिले, वो चीज़ें हम नहीं भी खाते, क्योंकि आजकल हमारा जो जनरेशन है आज का, वो फास्ट फूड की तरफ या फिर जो सिंथेटिक जो बेवरेजेस वगैरह होते हैं तो उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो इसके अंदर क्या, ये तो टोकोफेरोल इसका नाम हो गया। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखें कि रोग कौन सा होगा, विटामिन ई के कारण। देखिए इसके कारण एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या, इसके कारण जो, जैसे एक तो प्रोसेस होती है जो, जैसे बंधता या बांझपन जिसको बोलते हैं, वो एक तो प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं फर्टिलिटी, जबकि इसके कारण क्या होती है, वो फर्टिलिटी नहीं रह पाती इसकी कमी के कारण। अगर विटामिन ई ग्रहण नहीं करवाते हैं तो फर्टिलिटी नहीं रहती है, ठीक है। और एक तरीके से देखें तो क्या, जनन क्षमता ही खत्म हो जाती है, रिप्रोडक्शन की जो पावर है वो क्या हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है और बंधेता उत्पन्न हो जाती है, स्टेराइलिटी जो होती है ना, स्टेरिलिटी ख़त्म हो जाती है, उसी को क्या बोलते हैं हम, बंधेता बोलते हैं। और दूसरी एक चीज़ इम्पोर्टेंट, कुछ कुछ जो कंडीशंस जो होती है ना उसके अंदर ऐसा भी हो जाता है कि जो पैरालिसिस होता है उसको भी बढ़ावा मिलने लगता है, कुछ कंडीशंस में जो पैरालिसिस भी जो है वो हो सकता है इसके अंदर। तो इसीलिए जो मतलब विटामिन ई है ये भी क्या है, हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी है, हमारी बॉडी के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये चीज़ मैंने आपको बताया कि हम एक डाइट वर्ड जो बोल रहे हैं ना उसके अंदर सारी चीज़ें आती है, वो सभी चीज़ें क्या है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर वो सारी चीज़ें हम खाते हैं तो हम बहुत हेल्दी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। आप कभी देखें किसी इंसान का चेहरा इतना ग्लो करता है, किसी भी इंसान का, तो वो इंसान ऐसा नहीं है कि वो कुछ ऐसे क्रीम पाउडर कुछ ऐसे, वो लॉजिक कम और उसके बजाय उसके खाने पीने का जो ध्यान है ना वो इम्पोर्टेंट बहुत होता है, कि वो अच्छा खा रहा है, फ्रूट्स है या फिर जैसे जो भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, तो उस इंसान की जो स्किन होती है वो अलग से ग्लो करती है, ठीक है। तो इसलिए आपको भी क्या करना है, वो जो विटामिन ई है इससे जो जहाँ भी इसके सोर्सेज हैं वो हम खा सकते हैं, वहाँ से प्राप्त करना है, ठीक है। अब देखिए मैंने जो अभी आपको समझाया आपको समझ में आ गया होगा, तो आपको नीचे वीडियो को लाइक कीजिए, और नीचे लाइक का बटन दिख रहा होगा तो, ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ में आ गया है, कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारे वीडियोज कैसे लगते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि हमें पता चले। और ये जो हमारा क्वालिटी एजुकेशन का इनिशिएटिव है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियोज़ को शेयर करोगे उतनी ही जल्दी हम आपको बाकी सभी सब्जेक्ट का भी कोर्सेज जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराएंगे। सो आप व्हाट्सअप पे फेसबुक पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखिए ये तो हो गया कौन सा, विटामिन ई, ये कंप्लीट हो गया। अभी कौन सा बचा है, विटामिन के, ठीक है। नेक्स्ट आता है विटामिन के, देखिए
विटामिन के जो होता है इसके अंदर इसका अगर हम नाम देखें तो वो क्या होता है, वो होता है फाइलोक्विनोन, के एफ सी तो खूब सुना होगा आपने। के मतलब स्टार्टिंग का, जो मैं आपको इसके अंदर आपको ट्रिक बताया, इसके अंदर स्टार्टिंग का जो वर्ड है ना वो तो वो जो विटामिन है उसका नाम है। के मतलब के एफ से बोला, के विटामिन की, एफ से फाइलो, सी से क्विनोन। तो ये आपको ध्यान रखना, सिर्फ सूत्र जरूरी नहीं है कि ये क्यू क्विनोन बोला या सी से स्टार्ट, ऐसा कुछ नहीं है। बट सिर्फ जनरली जो चीज़ें याद करने के लिए अगर आप चाहो तो याद कर सकते हो उसे, कि एफ से लिखे कि अगर विटामिन के का नाम हो तो एफ सी मतलब फाइलोक्विनोन। और कुछ ध्यान नहीं आएगा तो इतना तो ध्यान आएगा कि स्टार्टिंग का वर्ड एफ है तो मतलब एफ लिखा हुआ है तो स्टार्टिंग का वर्ड भी एफ, जो एफ से स्टार्ट होगा, ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो और आप डायरेक्टली बता सको इसके बारे में, ठीक है, इसीलिए है ये वर्ड। अभी नेक्स्ट हम इसके अंदर क्या देखते हैं, इसके स्रोत, इसके स्रोत कौन कौन से होंगे, कहाँ कहाँ से मिलेगा, घुलनशील किसके अंदर है, आप खुद देखिए किसके अंदर है, ये वसा के अंदर घुलनशील है। वसा में क्या है, ये घुलनशील है, कौन सा विटामिन के जो है वो वसा के अंदर घुलनशील है, उसके अंदर घुल सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बताते हैं क्या इसके स्रोत कौन कौन से, कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से हमें ये विटामिन के प्राप्त होगा, तब देखते हैं उनके स्रोत के बारे में, उनके सोर्सेज के बारे में, ठीक है। जनरली अगर हम देखें तो क्या जो हम बार बार बोलते आ रहे हैं, दूध है बादाम है पालक है टमाटर है हरी सब्जियां हैं, जो कि क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी हेल्थ के लिए, क्योंकि ये भी आपको सुनने को मिलता होगा कि हरी पत्तेदार सब्जियाँ खाने चाहिए वो हेल्थ के लिए अच्छी होती है। वो इसीलिए बोला जाता है कि वो जो सब्जियाँ हैं वो बहुत काम करती है बॉडी के अंदर, इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए खाना ज़रूरी होता है। कहाँ से मिलता है, टमाटर पालक हरी सब्जी, किसके स्रोत पढ़ रहे हैं हम, क्या प्राप्त होगा इनसे हमें, इनसे हमें कौन सा प्राप्त होना है, विटामिन प्राप्त होना है, कौन सा विटामिन के, ठीक है। और क्या, दूध बादाम एटसेट्रा, तो ये चीज़ें जो होती हैं इससे हमें क्या प्राप्त होता है, इससे हमें विटामिन के प्राप्त होता है, इसीलिए क्या दूध हरी सब्जी जो है वो हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। बात आती है रोग की, जब विटामिन के जो है वो बॉडी को अच्छे से नहीं मिल रहा है तो बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ तो रोग होगा, किसी ना किसी चीज़ की तो कमी होगी, ठीक है। तो इसके कारण जो रोग होता है उसको हेमरेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं उस रोग को, उस रोग को हेमरेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कौन सा रोग है ये, हेमरेज। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। ये ऐसी चीजें देखिए, बाकी तो सब हमने इसी को, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड जो डिजीज थी ना वो पढ़ी नहीं, इसके बारे में पता नहीं हो। विटामिन के कारण कौन सा हो रहा है, हेमरेज, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। तो इस टाइप के जो अलग नाम आते हैं ना तो उनसे जरूर आपको ध्यान रखना है, उसको बिल्कुल ऐसे करंट में रखना है कि वो चीज़ जो है एकदम से याद रहे। अब इसके कारण इफेक्ट क्या पड़ता है, प्रभाव क्या पड़ता है, अगर हम देखें तो क्या ब्लड की जो क्लोटिंग होती है कहीं पे हमारे लग गया, वहाँ से ब्लड निकलने लग गया, इसके कारण क्या होगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा, यानी ब्लड की जो क्लोटिंग है रक्त का थक्का नहीं बनेगा, ठीक है। और लगातार जो क्या रहेगा, ब्लड जो है वो बेहतर रहेगा, लगातार ब्लीडिंग होती रहेगी। इसीलिए जो हम बोल रहे हैं कि हर एक जो विटामिन है उसका अपना रोल होता है, उसका अपनी एक भूमिका होती है, इसके कारण वो क्या करता है, हमारी बॉडी को स्वस्थ रखता है, हमारी बॉडी को हेल्थी रखता है। इसीलिए जो सारे विटामिन जो है मैंने आपको पढ़ाए, ताकि आपको सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, आप इस चीज़ के बारे में कॉन्शियस हो सको कि आपकी हेल्थ के लिए भी क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसके अंदर कैसे कैसे क्या प्रोसेस होती है। अब क्या बात आती है किसकी, कि आज का जो क्वेश्चन है उसकी, देखिए हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं विटामिन वगैरह, और हमारे बॉडी के अंदर भी मतलब जैसे रोग हो जाते हैं, तो ये जो हम इतना पढ़ रहे हैं
विटामिन है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है। तो ये देखिए हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, सारी जो चीज़ें हैं हम भोजन के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है, ठीक है। तो वो हर एक पार्ट जो है ना उसकी अपनी भूमिका है। आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि जैसे विटामिन्स होते हैं, हम विटामिन्स के बारे में बोलते हैं कि वो इस टाइप के होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं, आपको ये बताना है कि इस विटामिन का जो निर्माण होता है वो बॉडी के कौन से पार्ट के अंदर होता है, विटामिन का निर्माण कौन से बॉडी के पार्ट के अंदर होता है, बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया, आपको वीडियो पसंद आया, तो आप वीडियो को लाइक करके बताइए कि आपको समझ में आ गया है। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। और यहाँ मैं आपको 6 to 12 का कंप्लीट सिलेबस करवाऊँगी। और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, आपको 6 to 12 के सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज, सभी सब्जेक्ट के, वो आपको सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे इंटरनेट पढ़ाई .com पे। इसलिए ना तो आपको कोई टॉपिक सर्च करने की ज़रूरत है, ना आपको कोई दूसरा ट्यूशन क्लासेस जाने की ज़रूरत है, ना पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत है। पर इसके लिए आपको हम कंप्लीट मैटर दे रहे हैं, लेकिन आपको वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, हमारे एक्सपर्ट की टीम उतनी ही जल्दी आपके सभी क्लासेस के अदर सभी सब्जेक्ट उनके कंप्लीट कोर्सेज आपको प्रोवाइड करवाएगी, वो भी सीक्वेंस वाइज, और आपको पूरा मैटर जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी। वो आपको इंटरनेट पढ़ाई .com पे पूरा मैटर प्रोवाइड करवाएंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें, चैप्टर टू चैप्टर आपको कंप्लीट सिलेबस मिलता रहे।